हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, जहां पर को हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के बारे में। भाई साहब, क्या मैच हुआ यार, क्या अप्स एंड डाउन्स थे। शुरुआत में बांग्लादेश पूरी तरह से डोमिनेट कर रही थी, फिर हम लोगों ने डोमिनेट किया भाई। पहले सेशन में विकेट गिर गए थे, सेकंड में गिर गए थे, लेकिन तीसरे सेशन में तो कोई विकेट ही नहीं गिरा। और वहां पर को भाई इतने ज्यादा रन अलग हम लोगों ने बना दिए, ऐश अन्ना ने 100 मार दी भाई। लोग मतलब यार किसी दूसरे के बारे में बोलते हैं क्या कमाल की टेक्निक है, क्या जनरेशनल प्लेयर है, यहाँ ऐश अन्ना आगे यार 100 बना के चले जा रहे हैं भाई। एट द एंड ना रन्स मैटर करते हैं, तुम कैसी भी रन बनाओ, तुम्हारी टेक्निक कितनी शानदार है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, रन्स आने चाहिए। और ऐश अन्ना ने वो ही कर रखा है, अभी तो सिर्फ मतलब यार बल्लेबाजी से शतक मार रखा है, बॉल अब टर्न भी होने लगी है। अब मुझे ऐसा लग रहा है जो ऐश अन्ना है जब कल बॉलिंग कराने आएंगे भाई, ये यहां पर को फाइफर ना लेके चले जाए, मे भी हो सकता है। मतलब यार मैं तो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हूंगा, लेकिन सही बताऊं मैच देखने में आज मजा तो आया यार। बहुत टाइम बाद टेस्ट मैच हुआ, मतलब यार फील जो आ रही थी ना यार भाई, लड़ने झगड़ने का मन कर रहा था, क्रिटिसाइज करो, किसी की तारीफ करो, वाह मजा आ गया। तो चलो भाई इस मैच का रिव्यू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगा, अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैंने कमेंट सेक्शन में डाल दिया है। तो देखो सीधे हम लोग चलते हैं स्कोर कार्ड की तरफ, जहां पर को आपको देखने को मिला होगा हम लोगों ने बनाए हैं 339 रन सिर्फ 6 विकेट खोके। अभी देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है कि यार सिर्फ 6 विकेट खो रखे हैं और 339 रन बन चुके हैं, बट बिलीव मी भाई ये जो रन है ना भाई, 200 के अंदर हम लोग ऑल आउट हो जाने वाले थे, ऐसी वाली नौबत आ गई थी। वो तो भला हो लास्ट में जडेजा जो 86 रन पे नॉट आउट है, भला हो यार अश्विन अन्ना का जो 102 रन पे नॉट आउट है भाई, क्या कमाल की मतलब यार इन्होंने बल्लेबाजी कर रही है। लेकिन स्टार्टिंग यार टॉस से करते हैं, देखो रेड सॉइल वाली पिच है, चेन्नई में मैच हो रहा है तो तुम क्या एक्सपेक्ट करोगे, वहां पर को बॉल टर्न होगी। लेकिन आज हम लोगों ने यार बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की जो प्रिपरेशन है उसके लिए शायद मेरे ख्याल से पेसर वाली पिच बना दी थी, तो थोड़ा बहुत मॉइस्चर वहां पर को छोड़ा था, जिसका फायदा बांग्लादेश वालों ने बहुत कमाल का उठाया। उन लोगों ने टॉस जीता, पहले बॉलिंग ली, उनका जो शुरुआत का मतलब यार एक बॉलर था, क्या था उसका नाम, हसन महमूद, ये भाई साहब यार क्या कमाल की बॉलिंग करा के गया, 4 विकेट लेके गया। और मैं श्योर हूं कि यार ये जो बंदा है कल मेरे ख्याल से यार 5 विकेट अपने पूरे कर ही लेगा। लेकिन शुरुआत में तो जो इस बंदे ने कहर भर पाया ना, यशस्वी जायसवाल एक मतलब यार बचा था, बाकी रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, क्या टॉप ऑर्डर से तो मैं एक्सपेक्ट कर ही रहा था कि अपने विकेट ऐसे ही मतलब यार ये लोग खोलेंगे। रोहित शर्मा मेरे ख्याल से फिर भी यार इन तीनों में सबसे बोल सकते हो कि यार अच्छी बॉल पे आउट हुए, बिकॉज जिस तरह से आउट हुए बॉल मैं कहना चाहूंगा कि यार बहुत ज्यादा कमाल की थी। तो रोहित शर्मा भले ही मतलब यार विकेट खो दिया, लेकिन यस आप लोग बोल सकते हो थोड़ी अच्छी बॉल दी। शुभमन गिल मेरे ख्याल से जो ये 0 में आउट हुआ है ना भाई, अननेसेसरी था यार भाई, पीछे बॉल जा रही थी, फ्लिक करने के चक्कर में बंदा आउट हो गया। मेरे ख्याल से ये जो मतलब यार डिसमिसल है, यहां पर को शुभमन गिल को डिसअपॉइंट होना चाहिए, बिकॉज काइंड ऑफ अपना जो विकेट है ना ये बंदा थ्रो करके चले गया। सेम गोज फॉर विराट कोहली, जो बार 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 पता नहीं कितने बार यार भाई बाहर जाती हुई बॉल को छेड़ने के चक्कर में आउट हो जाते हैं। कौन से स्टंप में दियो, चौथे पांचवे छठे, वहां जाके मतलब यार खेलने की क्या जरूरत थी। मे बी उससे पहले जब मतलब यार वो खेल लेते हैं, उन्होंने एक दो बार ट्राई किया था और उस टाइम पे को यार मिडल ऑफ द बैट से लगी थी, क्या पता थोड़े कॉन्फिडेंट हो गए हो। लेकिन फिर भी यार बॉल जब मतलब इतनी ज्यादा स्विंग कर रही है, वो जो हसन महमूद है कितनी अच्छी बॉलिंग करा रहा था शुरू में, दोनों तरफ स्विंग करा रहा था भाई वो बंदा अंदर बाहर, वहां पर कोई यार ऐसी शॉट खेलने की जरूरत नहीं थी मेरे ख्याल से। तो विराट कोहली का जो विकेट था ना भाई, डेफिनेटली मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुई विराट कोहली के विकेट से रियली में। शुभमन गिल ने भी अपना विकेट थ्रो कर रखा है, लेकिन उसके बाद जो भाई ऋषभ पंत और यशस्वी जायसवाल ने बीच में संभाला ना, मजा आ गया यार। यहां पर को ना मैं मतलब यार टीम मैनेजमेंट उनकी भी तारीफ करना चाहूंगा, जिन्होंने ऋषभ पंत को केएल राहुल से ऊपर भेजा। अब बहुत से लोग क्या बोलेंगे पता है कि यार केएल राहुल अपनी पोजीशन में नहीं खेला, ऋषभ पंत को बाद में आना चाहिए था, केएल राहुल को ऊपर आना चाहिए था। भाई ये जो हसन महमूद है भाई, ऐसी कमाल की बॉलिंग करा रहा था ना, 3 राइट हैंडरों को इसने आउट कर दिया था, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, 3 राइट हैंडर आउट हो गए। तो वहां पर को लेफ्ट हैंडर को भेजना मेरे ख्याल से टीम मैनेजमेंट या फिर जो कैप्टन है उनका बहुत ही ज्यादा कमाल का डिसीजन था, और आप लोगों को वहां पर को उनको क्रेडिट देना पड़ेगा जो लेफ्ट लेफ्ट के साथ मतलब यार स्टिक किए, क्योंकि वहां पर को जायसवाल ने बहुत कमाल का खेला, ऋषभ पंत ने बहुत कमाल का खेला। देखो हमारे 3 विकेट गिर गए थे, हम लोग दबाव में थे, ऋषभ पंत आया, उसने मतलब यार अटैकिंग गेम खेला, उसने क्या किया बताया, बांग्लादेश के जो बॉलर्स थे उनके ऊपर प्रेशर डालना स्टार्ट किया। देखो इस बंदे ने आते ही यार चौकों में डील करना स्टार्ट कर दिया था, देखा देखी किसने की, यशस्वी जायसवाल ने भी, जिसने कमाल की 50 मारी। यशस्वी जायसवाल के बारे में तो एक ही चीज बोलूंगा, ये बंदा अंडररेटेड है। देखो आज के टाइम पे जहां पे को संजू सैमसन भाई बहुत ही ज्यादा मैसिवली हाइप्ड है, जैसे शुभमन गिल हो गया बहुत ही ज्यादा हाइप्ड है, इवन जो ऋतुराज है जिसने अभी तक यार इंटरनेशनल में खेला भी नहीं है ज्यादा, वो बंदा भी मतलब यार बहुत ही ज्यादा हाइप्ड है। उन सब में यशस्वी जायसवाल एकमात्र ऐसा यंगस्टर है भाई मैं जिसके बारे में बोल सकता हूं ये बंदा अंडररेटेड है। भाई बंदे ने इंटरनेशनल में रन बना रखे हैं, तुम इस बंदे की अडैप्टेबिलिटी देखो, ये बंदा टेस्ट में कितना कमाल का खेलता है, T20 खिलाओ वहां पर को तेज खेलने लग जाता है भाई, ये बंदा हर जगह परफॉर्म करता है। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा जितनी हाइप बाकियों की है उतनी इस बंदे की नहीं है, और हम लोगों का मतलब यार काम है यहां पर को यशस्वी जायसवाल को हाइप करना, बिकॉज ये बंदा डिजर्व करता है भाई, ये बंदा शिखर धवन
वाली कैटेगरी में जा रहे हैं, लेकिन बहुत ही ज्यादा कमाल का इस बंदे ने खेल लगाया। 56 रन जो इसने मतलब यार बना रखे हैं। ऋषभ पंत के साथ जो इसकी पार्टनरशिप थी बहुत ही ज्यादा कमाल की थी, बाद में मतलब यार पेस का शिकार हो गया। लेकिन हसन महमूद भाई यार, ये बांग्लादेश का बॉलर जो भी है भाई, बहुत अच्छी बोलिंग करा रहा था। यंगस्टरों में तगड़ा बॉलर मिला, पेस भी है, एक्यूरेसी भी थी। मतलब यार ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्विंग पे डिपेंडेंट था भाई, मतलब यार ये बंदा थोड़ा स्ट्रेटेजी के हिसाब से आया था। लाइक मतलब यार विराट कोहली है, उसके लिए भाई मतलब यार उसने वो बाहर की तरफ बॉल डाली क्योंकि पता था कमजोरी वहीं पर को है। रोहित शर्मा के लिए बहुत ही ज्यादा टाइट लेंथ इस बंदे ने रखी थी, तो मेरे ख्याल से ये बंदा यार यहां से कर रहा था, बताया ब्रेन यूज कर रहा था बहुत ज्यादा, तो अच्छा बॉलर है ये बंदा। अभी तो मतलब यार जैसे तस्कीन अहमद है, इसके बदले मेरे ख्याल से कोई दूसरा बंदा था, सैफुल इस्लाम था, वो बंदा स्विंग कर रहा था। अगर वो होता तो मे बी और ज्यादा डैमेज हो सकता था, बट मतलब यार तस्कीन अहमद उतना कुछ खास डैमेज कर नहीं पाया। लेकिन बॉलिंग तगड़ी हुई थी इनकी पहले दो वाले सेशन में, ठीक है, तीसरे में तो आपको पता ही है क्या हुआ। अब बात करते हैं केएल राहुल के बारे में। देखो ऋषभ पंत के बारे में बात कर ली, कमाल का खेला इस बंदे ने। केएल राहुल के बारे में बात करते हैं। खैर ऋषभ पंत के बारे में मैं ज्यादा इसलिए नहीं बोल रहा हूं बिकॉज यार ये तो एक्सपेक्टेड ही था, वो बंदा ऐसे ही खेलता है। देखो इसका जो मतलब यार डिसमिसल था वो भी काइंड ऑफ डिसअपॉइंटिंग था। मतलब अगर तुम लोग बोलोगे ना आज की बैटिंग लाइनअप में किस किसने अपना जो विकेट है वो थ्रो किया, मैं बोलूंगा शुभमन गिल, विराट कोहली, ऋषभ पंत, इन तीनों ने ही अपना जो विकेट है ना काइंड ऑफ थ्रो किया यार। केएल राहुल के बारे में अभी अलग से बात करता हूं। देखो ऋषभ पंत अच्छा खेल रहा था, उस ओवर में एक बाउंड्री भी आ गई थी, फिर भी यार बंदे ने मानने की कोशिश की। अब मैं यहां पर कोई ज्यादा क्रिटिकल क्यों नहीं हो रहा हूं ऋषभ पंत के लिए, बिकॉज वो बंदे का स्टाइल ही वैसा है भाई, वो बंदा खेलता ही वैसा है, तो इतना मतलब यार क्रिटिसाइज करने की जरूरत नहीं है। पंत ने बहुत ज्यादा कमाल का खेला, यशस्वी और जो पंत के बीच में पार्टनरशिप थी बहुत ज्यादा कमाल की हुई थी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट केएल राहुल, बिकॉज इस बंदे के बारे में बात करनी बनती है। आई एम श्योर ये बंदे के बारे में बात करने के लिए आप भी तड़प रहोगे, बिकॉज ये बंदा एक बार फिर से फेल हो गया। देखो ये बंदा यशस्वी जायसवाल के साथ बैटिंग कर रहा था, बंदे ने भाई मतलब यार एक बार भी जो 52 बॉल खेली ना, ये देख रहे हो तुम, ये 52 बॉल यहां पर को एक बार भी अटैक करने की कोशिश नहीं की यार। भाई ये बंदा टुक 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 लगे लगा है, मतलब यार एक तरफ से टुक टुक करने में, आई नो टेस्ट मैच है भाई, तुम ये मत बोलना कि यार टेस्ट मैच है, यहां पर को तो टुक टुक ही करना है, बट भाई मतलब कोई भी एग्रेशन नहीं है, कोई भी मतलब यार पैरों का इस्तेमाल नहीं है। जायसवाल जैसे हो गया मतलब यार यूज कर रहा था फीट्स का, भाई कुछ तो करो, बॉलर को मतलब यार दबाओ भी तो लेके आओ। ये बंदा भाई पूरा ही डिफेंसिव माइंडसेट में जा चुका है, पता नहीं क्या सीन है। मैं मतलब यार केएल राहुल को हेट नहीं करता हूं, बट सीन यही है भाई, ना मतलब यार फीट्स का यूज किया इस बंदे ने, ना ही बंदा मतलब यार थोड़ा भी अटैक करने की कोशिश कर रहा था। सही बताऊं देखो, मैं केएल राहुल को अगर ड्रॉप करना होता ना, मतलब यार इस सीरीज के बाद अगर ये बंदे का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता, मैं मतलब यार सोचता इस बंदे को ड्रॉप करने की डेफिनेटली, भाई अब टाइम आ चुका है। लेकिन ऐसा सीन है कि बीसीसीआई इस बंदे पे बहुत ज्यादा भरोसा करती है। तुम एक रीजन पूछोगे, बीसीसीआई तुम्हें मतलब यार 10-15 रीजन दे देगी कि क्यों केएल राहुल को टीम में होना चाहिए करके। और आई होप यार ये बंदा आगे चल के अच्छा खेले, लेकिन मुझे ऐसा लगता है केएल राहुल नंबर 3 पे ज्यादा सही खेलेगा। जिस हिसाब से खेल रहा है ना, जैसे टुक 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 करता है भाई, नंबर 6 का बल्लेबाज तो ऐसे नहीं खेलना चाहिए यार, यहां पर को आपको थोड़ा अटैकिंग वाला प्ले खेलना पड़ता है। और केएल राहुल नंबर 6 का प्लेयर मुझे पता नहीं क्यों नहीं लग रहा है यार, केएल राहुल शुड प्ले एट नंबर 3 भाई, जहां पर को शुभमन गिल खेल रहा है, मेरे ख्याल से केएल राहुल को वहां पर को खेलना चाहिए। ये बंदा पुजारा वाला रोल जो है वो कर सकता है, जिस हिसाब से आज खेल रहा था भाई, पुजारा वाली याद आ रही थी मुझे। 52 बॉल में इस बंदे ने मतलब यार 16 रन बना रखे, तो मैं इस बंदे को नंबर 3 पे खेलते हुए देखना चाह रहा हूं। आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ जो ये आइडिया मैंने मतलब यार आपके सामने प्रेजेंट किया है कैसा है करके। लेकिन यस, केएल राहुल डिसअपॉइंटिंग भाई। बात करते हैं जडेजा और अश्विन के बारे में, जिन्होंने मतलब यार आज दिल जीत लिया यार सही में। देखो केएल राहुल एक जगह भाई 52 बॉल में 16 रन बनाए, टुक 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 करने में लगा हुआ है, दूसरी तरफ भाई रविंद्र जडेजा आया मार रहा है। अश्विन भाई भाई मतलब आज का अगर तुम बोलोगे ना भाई शॉट ऑफ द मतलब मैच बोलोगे, तो भाई ऐश अन्ना का जो कवर ड्राइव था देखा तुमने, कितना कमाल का मारा ऐश अन्ना ने, जो मतलब यार एग्रेसिव खेला बहुत ही ज्यादा कमाल का। स्ट्राइक रेट भी देख लो 91 के आसपास है, टेस्ट मैच था, डिफरेंस देख लो केएल राहुल और अश्विन में। अश्विन जो कि एक बॉलर है वो बॉलिंग भी कराने वाला है, वहां पर को भी कंट्रीब्यूशन देने वाला है, और यहां पर को शतक भी मार गया। और जडेजा भाई मतलब यार ये तो एवरग्रीन है, तभी मैं आप लोगों से मतलब यार बोल रहा था टेस्ट में इस टाइम पे को भाई जडेजा को तो कोई रिप्लेस भी नहीं करने वाला है। अक्षर पटेल को मतलब जडेजा से पहले खिलाना टेस्ट में, ये काइंड ऑफ सेंस बिल्कुल भी नहीं बनाता, ये मैंने पहले भी बोला है। अगर खिलाना है अक्षर को तो यार कुलदीप के बदले ही आ सकता है। आज पिच ऐसी थी नहीं कि यार अक्षर पटेल को यहां पर को खिलाया जाता, क्योंकि 3 पेसर तो चाहिए ही यार, 2 तो कंफर्म है, मतलब यार अश्विन और जडेजा खेलने वाले हैं, तो हमें 3 पेसर की जरूरत थी, जहां पर को हम लोग बुमराह, आकाशदीप और मोहम्मद सिराज के साथ गए। लेकिन ऐश अन्ना की जो बैटिंग है भाई, क्या कमाल की यार, मास्टर क्लास यार सही में। एक यूट्यूबर आके इतनी कमाल की इनिंग्स खेल के चले जाता है, सबके मतलब यार जो टेक्निक है, जनरेशनल टैलेंट, जो भी चीज है ना उन पे मतलब यार ऐश अन्ना बोल के जाते हैं, हाँ भाई कर लो तुम ये सब, मैं यार रन बनाता हूं करके। मजा है यार ऐश अन्ना की बैटिंग देख के। तो भाई ये मतलब यार हमारा आज का वो था, बहुत ही बढ़िया हम लोगों ने मतलब यार स्कोर बना दिया है। अब मुझे लगता नहीं है कि यार बांग्लादेश के पास कोई ज्यादा चांस है, क्योंकि यार बुमराह है ऑब्वियसली भाई, बुमराह तो उखाड़ ही देगा। मुझे अब मतलब यार बांग्लादेश से कोई उम्मीद नहीं है, मे बी 200 के अंदर अगर ये लोग हमें सिमटा देते तो क्या पता मतलब यार कुछ सीन बन सकता था। लेकिन अब मुझे लगता है एक तरफा मैच होने वाला है, बिकॉज जैसी हमारी बॉलिंग है सिराज और बुमराह खा जाएंगे भाई। जैसी मतलब यार आप लोगों को पता है स्विंग बॉल हो रही थी ना, तो भाई मेरे ख्याल से बुमराह और यहां पर को सिराज थ्राइव कर सकते हैं। अगर स्पिन यहां पर को मतलब यार काम में आई, तो मेरे ख्याल से ऐश और जडेजा इनफ भाई, मेरे ख्याल से ये दोनों बहुत कमाल का डैमेज करेंगे। तो भाई ये जो मैच है, मैं होपफुल हूं हम लोग एक तरफा ही जीतने वाले हैं। इनकी तरफ से बॉलिंग की बात करें,
करें तो भाई हसन अहमूद चार मतलब यार ये विकेट लेके गया, बहुत कमाल की बोलिंग करा, इसके बारे में मैंने बता दिया। तस्कीन अहमद कुछ खास कर नहीं पाया, स्विंग नहीं थी, मतलब यार ये बंदा खाली पेस डालने की कोशिश कर रहा था, कुछ हुआ नहीं। ये नहीं राना भाई ये बंदा करार था यार भाई, 150 के आसपास फेंक दे रहा था ये बंदा बॉल, अच्छी बोलिंग कराई। ये जो मिराज है इसने भी मतलब यार कुछ खास किया नहीं बांग्लादेश के खिलाफ, इस बंदे ने मेरे ख्याल से अच्छा किया था लेकिन यहाँ पर को कुछ खास कर नहीं पाया। साकिबुल हसन भी यार बहुत गंदा वाला पिट गया था। तो यही है आज के दिन का रिव्यू, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। जडेजा मेरे ख्याल से कल 100 मार सकते हैं, आई होप यार मार दे क्योंकि इतनी कमाल की पार्टनरशिप हो रखी है, डिजर्व करते हैं जडेजा भी। तो देखते हैं मतलब कल क्या होता है, लेकिन डेफिनेटली भाई अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना और कॉमेंट भी कर देना यार भाई।